हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। आज हमारे साथ है अंकित सिन्हा। इन्होंने नेशनल हाउसिंग बैंक असिस्टेंट मैनेजर का रिक्रूटमेंट 2022 क्लियर किया है, और कॉन्ग्रेचुलेशंस अंकित फॉर क्लियरिंग दिस एग्जाम। थैंक यू मैम। तो आज हम अंकित से जानेंगे कि उन्होंने कैसे इस एग्जाम की प्रिपरेशन की, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें वैकेंसीज काफी कम आती है और बहुत सारे लोग इसके बारे में काफी टाइम से पूछ भी रहे हैं कि नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में कैसे तैयारी करनी है, ये सब आप बताइए। तो आज अंकित के साथ हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि कैसे उन्होंने ये एग्जाम क्लियर किया और इतनी कम वैकेंसीज में भी कैसे खुद को मोटिवेट रखा कि ये वाला एग्जाम क्लियर करना है। सो अंकित, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। थैंक यू मैम फॉर वेलकमिंग मी। माई नेम इज अंकित सिन्हा और मैंने अपना ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट किया है, नवंबर 2021 में। एंड उसके बाद से मैंने बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो उसके बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन आपने जब स्टार्ट की, तो आपने कितनी एग्जाम्स दिए, और उसके बाद क्या पहली एग्जाम थी एनएचपी की या उससे पहले आपने कोई एग्जाम क्लियर किए? एक्चुअली मैम क्या हुआ था कि 2021 में हमारा जो ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया था तो कोविड के कारण वो थोड़ा लेट हो गया था। तो 2021 का सारा एग्जाम हम फिल नहीं कर पाए थे क्योंकि डिले हो गया था रिजल्ट। उसके बाद फिर 2021 में जितना भी एग्जाम आया था, IUPS, SBI, फिर NHB का आया था, फिर RRB का आया था, तो वो सारा फिर हम 2022 में फिल किए थे। ओके, तो जैसे अगर मैं स्पेसिफिकली एनएचबी की बात करूं, तो एनएचबी के बारे में जैसे आप जब तैयारी कर रहे थे, तो क्या आपको पता था कि ऐसा कोई एग्जाम होती है, ऐसा कोई रिक्रूटमेंट आता है, या फिर आपको कहाँ से पता चला एनएचबी के बारे में? मैम जब जैसे प्रिपरेशन हम कर रहे थे तो उसमें जो जनरल नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन रहता है उसमें बहुत सारा, उसमें AIFI के बारे में पढ़ते थे, नाबार्ड, NHB, तो उसमें लगता था कि इनका भी कुछ ना कुछ तो रिक्रूटमेंट आता होगा। और फिर उसी से पता चला, 2021 में भी NHB निकाला था, उसके बाद फिर 2022 में, तो उसी से हमको पता चला। ओके, तो आपने कितने एग्जाम्स क्लियर किए हैं? जब से मैंने IBPS PO किया है, फिर SBI PO का मेंस क्लियर किया है, लेकिन इंटरव्यू नहीं गए थे क्योंकि उससे पहले मेरा NHB का आ गया था पोस्टिंग। उसके बाद फिर मेरा IBPS क्लर्क में भी रिजर्व लिस्ट में थे, जो अभी उस दिन ये उसका रिजर्व लिस्ट 1 अप्रैल को जो आया था। उसके बाद फिर RRB में भी, RRB PO नहीं हुआ, RRB क्लर्क में भी रिजर्व लिस्ट। तो मतलब आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी थी, इसीलिए एनएचबी में भी आपको सिलेक्शन हो गया आपका। तो एनएचबी की अगर बात करें, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में आइडिया ही नहीं होता, स्पेशली जो लोग अभी न्यू है बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेन फोकस होता है सबसे बड़ी एग्जाम SBI PO, जो हर एस्पायरेंट के माइंड में होता है कि SBI PO निकालना है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि रेगुलेटरी बॉडीज की भी एग्जाम आती है। तो एक बार एनएचबी के बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए कि एनएचबी होता क्या है, जिन्हें नहीं पता उनके लिए। मैम NHB जनरली ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि हाउसिंग सेक्टर को मेनली गवर्न करता है, रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है। जैसे नाबार्ड है जो रूरल सेक्टर्स के तरफ वो ज़्यादा उसका फोकस रहता है, वैसे ही NHB है जो हाउसिंग सेक्टर के साइड उसका मेन फोकस रहता है। और अभी बजट में भी गवर्नमेंट जो स्कीम लाए थे UIDF का, वो NHB को दिया गया है। तो मेनली यही है NHB का काम और उसका इंट्रोडक्शन। ओके, और इसका अगर एग्जाम की बात करें, तो इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है? एग्जाम पैटर्न अगर नोटिफिकेशन के हिसाब से देखें तो उसमें सेम टू सेम जो बैंक का पैटर्न रहता है सेम वैसे ही रहता है। IBPS PO का मीन्स का पैटर्न फॉलो करता है, जैसे 3
आवर्स का पेपर रहता है जिसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी रहता है, लेटर और ऐसे राइटिंग, और इंग्लिश, मैथ, इंग्लिश क्वांट रीजनिंग और जीए सेक्शन रहता है। सेम टू सेम ये बैंकिंग पैटर्न फॉलो करता है। ओके तो अगर हम आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे चलें सब्जेक्ट वाइज, तो आप वन बाय वन एक बार आपने क्या स्ट्रेटजी यूज की इस एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली? मैम स्पेसिफिकली एनएचबी के लिए तो कोई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी नहीं था, क्योंकि बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे थे तो उसी के फ्लो में हुआ है। तो हाँ, बैंकिंग का मतलब कि उसी के फ्लो में जैसे प्रिपरेशन, जैसे अगर हम मानते हैं कि क्वांट का पहला सेक्शन क्वांट लेते हैं, तो क्वांट में क्या है कि उसमें एक तो क्वेश्चन बहुत सारा रहता है, क्योंकि आजकल के एग्जाम्स देख रहे हैं तो उसमें क्वेश्चंस काफी ज्यादा रहते हैं और टाइम बहुत कम रहता है। तो उस केस में आपको क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम दें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टाइम लिमिटेड रहता है तो उस हिसाब से। तो और सब्जेक्ट वाइज एक बार बताइए कि क्वांट में आपने किस तरीके से तैयारी की है? एक कोई न्यू एस्पायरेंट है बिल्कुल, तो उसको किस तरीके से करनी चाहिए? और जो लोग अभी कर रहे हैं, तो अगर एनएचबी का जैसे रिक्रूटमेंट अगर आता है, तो उन्हें क्या उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने चाहिए? सब्जेक्ट वाइज अगर चले तो फर्स्ट आता है क्वांट से ही लेते हैं। तो क्वांट में पहले है कि एक बेसिक कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बिना उसके कुछ होने वाला नहीं है। आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, एक बार बेसिक क्लियर कर लिए, उसके बाद फिर आपको स्पीड पे ज़्यादा फोकस करना है। तो हम तो यही करेंगे जो न्यू कमर हैं, तो उनसे मेरा यही एडवाइस रहेगा उनके लिए कि आप एक बार बेसिक क्लियर कर लीजिए, जितना फॉर्मूला है वो सब थोड़ा एक बार देख लीजिए। शॉर्टकट के पीछे नहीं जाना है, क्योंकि शॉर्टकट जो है, आप जितना दिमाग में शॉर्टकट ये सोचेंगे उतना एग्जाम टाइम में होता नहीं है। और सेकंड आ जाते हैं, अगर हम रीजनिंग पे आते हैं तो रीजनिंग में आजकल देख रहे हैं कि पजल्स काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो उसमें अगर आपको पहले देखना है कि आप किस, ये सिर्फ रीजनिंग के लिए नहीं, ये सारे सेक्शन के लिए, कि आप किस, आपका वीक एरिया कौन सा है, वो वीक एरिया को आपको पहचानना है, उसके बाद फिर उस पर काम करना है। और अगर एक बार वो आप उस पर ज़्यादा, मतलब कोशिश करिए कि उस पर ज़्यादा हम टाइम दें, बाकी तो आप जान ही रहे हैं कि और कैसे क्वेश्चन का सेलेक्शन कैसे करना है, किस क्वेश्चन को पहले करेंगे जिसमें हमको टाइम कम दें। क्योंकि ये क्या है कि इसमें आपको सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं होता है, आपको इसमें स्मार्ट वे चाहिए रैदर देन आप इसको ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करें। तो और बाकी फिर इंग्लिश के लिए तो एज सच कोई स्ट्रैटेजी हम अपनाए नहीं थे, क्योंकि इंग्लिश का ज्यादा से ज्यादा आप मॉक टेस्ट दीजिए, उसके उसके लिए आप एक्स्ट्रा हम कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि उसका कुछ, हम तो जनरली मॉक टेस्ट ही ज्यादा प्रेफर किए थे। ओके तो आपने कौन से मॉक टेस्ट लगाए, और जो आपने सब्जेक्ट्स बताए उसके लिए आपने कोई बुक्स परचेज की, या फिर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की ऑफलाइन या ऑनलाइन? कौन से सोर्सेस यूज किए थे? मैम एक्चुअली कोई कोचिंग तो हम नहीं किए, हम सेल्फ स्टडी से ही किए थे। हाँ, लेकिन मॉक टेस्ट हम काफी लगाते थे, जैसे कि अगर आप मेंस का अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो कम से कम कोशिश करिए कि 3 से 4 दिन में एक या दो मॉक टेस्ट हम मेंस का दें, क्योंकि उसको एनालाइज करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक मॉक टेस्ट दें, उसको फिर एक दिन पूरा एनालाइज करें कि क्यों नहीं बन रहा है, कौन सा क्वेश्चन हमसे नहीं बना, कौन सा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जा रहा है। उसके बाद फिर और अगर आप प्री का मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें तो आप डेली दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है प्री का। तो आप एक बार, अगर आप न्यू न्यू कमर हैं तो हम यही बोलेंगे कि एक बार आप कोई इजी मॉक टेस्ट पहले दीजिए, ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो। उसके बाद जैसे जैसे अगर आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा तो आप धीरे धीरे थोड़ा मॉक टेस्ट का लेवल थोड़ा हार्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट कौन से यूज किए थे आपने? सोर्सेस क्या थे आपके मॉक टेस्ट के?
मैम सोर्सेस तो मॉक टेस्ट का एज सच कुछ एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं था, लेकिन हाँ जैसे कि बहुत सारे कंपनी के मॉक टेस्ट आते हैं, टेस्ट बुक हो गया, फिर आपका ऑलिव बोर्ड, ऑलिव बोर्ड थोड़ा टफर साइड देता है, तो जो बिगनर है उनके लिए तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप अड्डा का दे अड्डा गाइडली का दे सकते हैं, उनका थोड़ा इजी लेवल पे रहता है, फिर टेस्ट बुक का थोड़ा इजी रहता है, तो जैसे जैसे आपका उस पे आपका वो मॉक टेस्ट में आप अच्छा नंबर लाएंगे तो उस हिसाब से फिर आप अपना मॉक टेस्ट थोड़ा टफर साइड पे जा सकते हैं, ये ऑलिव बोर्ड का हो गया वो थोड़ा टफ रहता है, प्रैक्टिस मॉक हो गया, इस टाइप से। और जैसे मैंने देखा कि जो ये नोटिफिकेशन है इसमें सब्जेक्ट्स जो रहते हैं, एक रहता है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड करके लिखा रहता है, और एक कंप्यूटर अलग से भी मुझे दिखा, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा कि रीजनिंग वाले में भी कंप्यूटर पूछेंगे या अलग से भी पूछेंगे, तो ये थोड़ा आप क्लियर कर दीजिए। मैम एक्चुअली रीजनिंग में वो लिखा हुआ है कि रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, बट उसमें सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चंस रहते हैं, कंप्यूटर आपका जनरल अवेयरनेस वाले में इंक्लूडेड रहता है। तो जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर के लिए क्या स्ट्रेटेजी रही थी आपकी? जनरल अवेयरनेस के लिए तो डेली का करंट अफेयर्स ही काम देगा, या फिर अगर आप वीकली करते हैं तो वो भी ज्यादा सही रहेगा, बट हम प्रेफर करते हैं कि डेली ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि एक बार आप डेली पढ़ते रहेंगे तो फिर आपको वो दिमाग में आपके बैठ जाएगा। ऐसे है कि आपके जो आप वीकली पढ़ेंगे या फिर मंथली पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे करंट अफेयर्स स्किप हो जाते हैं, तो और जिस टाइप से अभी आजकल के बैंकिंग का क्वेश्चंस है तो वो काफी डीप में करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर आप डेली का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, मॉक देंगे, तो मॉक में भी तो करंट अफेयर्स रहता है, तो आपको उसका रिवीजन भी हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स, हमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि लास्ट कितने मंथ्स का पढ़ना चाहिए, 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, पूरे साल का, तो किस टाइप से आपने किया था? जनरली 6 मंथ प्रेफरेबल रहता है, बट अब ये एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो अभी जैसे अभी कुछ दिन पहले आरआरबी का शायद हुआ था एग्जाम, जब हम आरआरबी का एग्जाम दिए थे तो उसमें थोड़ा 1 साल पहले का भी पूछा था, लेकिन हाँ वो उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो एक दो क्वेश्चन पूछता है, लेकिन फिर वही है कि एक दो मार्क्स के लिए भी क्यों, मतलब जनरली 6 मंथ का प्रेफरेबल रहता है कि आप उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे, अच्छा मार्क्स आ जाएगा 6 मंथ तक अगर आप पढ़ेंगे तो। तो करंट अफेयर्स आपने कहाँ से पढ़ा था, उसका क्या सोर्स था? करेंट अफेयर्स के लिए तो काफी सोर्सेस हैं, अफेयर्स क्लाउड, स्टार्टिंग हम भी अफेयर्स क्लाउड से ही किए थे, उसके बाद फिर हम स्विच किए, ये अड्डा पे स्विच किए, उसके बाद फिर ऑलिव बोर्ड का बोल्ट आता है, बोल्ट पीडीएफ एग्जाम से जस्ट पहले लॉन्च होता है, तो वो रिवीजन के लिए वो सही रहता है, अगर आप डेली, आपको डेली का करंट अफेयर्स जहां से मिल जाए वो ज्यादा सही रहेगा। तो ऐसा ये भी होता है ना कि कई बार सोर्सेस हम स्विच करते हैं ना, स्पेशली करंट अफेयर्स के लिए, तो कंफ्यूजिंग हो जाता है। बहुत सारे लोग ये चीज पूछते हैं कि एक ही पढ़ के जाना चाहिए या दो तीन जगह से पढ़ के जाना चाहिए। ये तो स्टार्टिंग जब हम भी स्टार्ट किए थे प्रिपरेशन, तो उस टाइम मेरे भी माइंड में यही सेम चीज था, लेकिन फिर हमको बाद में पता चला कि आप कोई भी सोर्स से पढ़िए करंट अफेयर्स तो सेम ही रहेगा, तो इसलिए हाँ अगर आप दो एक से दो सोर्स अगर आप फॉलो करते तो वो ज्यादा सही रहेगा, मान लीजिए आपको इस सोर्स में कुछ मिस हो गया तो आप सेकेंड सोर्स से आप उसको कवर कर सकते हैं, तो दो सोर्स सही रहेगा, लेकिन दो से अगर ज्यादा आप लेते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम का थोड़ा वेस्टेज जाएगा, आप सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए टाइम देंगे, बाकी के लिए फिर आप नहीं दे पाएंगे। और अगर कंप्यूटर की बात करें, जिसको बहुत लोग लाइटली लेते हैं, तो कंप्यूटर इस एग्जाम में कितना आता है और किस लेवल का आता है, और आपने कहाँ से तैयारी की थी? कंप्यूटर करंट अफेयर्स के सेक्शन में ही रहता है, तो अप्रॉक्स 10 to 15 क्वेश्चंस कंप्यूटर के रहते हैं, कंप्यूटर स्पेसिफिक एनएचबी के लिए
मैंने तैयारी नहीं की थी। हाँ बट उस टाइम मेरा आरआरबी का भी एग्जाम था। आरआरबी में शायद कंप्यूटर रहता है, आरबीआई असिस्टेंट में भी कंप्यूटर रहता है, तो उसी के जो उसके लिए हम तैयारी किए थे उसी से फिर हम उसी तैयारी से फिर मेरा इसमें भी कंप्यूटर हम किए थे। ओके तो कंप्यूटर के लिए भी आपने कोई स्पेसिफिक मटेरियल या पीडीएफ कुछ यूज किया था? कंप्यूटर के लिए मैम पीडीएफ आते हैं, जैसे आप अड्डा का ही ले लीजिए, मतलब हम तो अड्डा का फॉलो किए थे, एग्जाम से पहले लॉन्च हुआ था उसका अड्डा का पीडीएफ कंप्यूटर का, तो वो सही रहता है। ऑलमोस्ट उसमें सारे ये कंटेंट्स कवर रहते हैं, सारे सिलेबस कंप्यूटर के कवर रहते हैं। ओके तो आपने जैसे सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताया, तो अगर इसको हम बाकी एग्जाम से कंपेयर करें तो इसका लेवल कैसा रहता है? क्या आईबीबीएस पीओ के मेंस या एसबीपीओ मेंस जैसा ही रहता है या थोड़ा उससे भी ज्यादा टफ रहता है? मैम टफ तो नहीं रहता है, इजी भी नहीं, मतलब मीडियम आप मान सकते हैं। आईबीपीएस पीओ से थोड़ा सा ये नीचे रहेगा, ओके और हाँ मतलब हम ये मीडियम कह लेवल सकते रहता है। हैं कि आरआरबी पीओ के मेंस जैसा इसका लेवल रहता है? अब वो तो डिपेंड करता है जीए पे, जीए काफी अनप्रेडिक्टेबल रहता है, ओके बाकी बाकी सारा डुएबल रहता है, इंग्लिश मैथ रीजनिंग डुएबल रहता है, बस जीए थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहता है जैसा। ओके और इस एग्जाम में एक सिंगल एग्जाम होता है तो सेक्शनल कट ऑफ एंड नेगेटिव मार्किंग ये दोनों चीजें इस एग्जाम में रहती है? हाँ मैम नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/4 जैसा बाकी बैंकिंग एग्जाम में रहता है, और सेक्शनल कट ऑफ भी इसमें रहता है। क्योंकि ये थोड़ा इसका लेवल आईबीपीएस से थोड़ा, आईबीपीएस पीओ मेंस एसबीआईपीओ मेंस से थोड़ा नीचे रहता है, तो इसका सेक्शनल कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। एंड इसमें वैकेंसीज भी काफी कम है तो कट ऑफ आपका कट ऑफ कितना गया था उस टाइम आपका जब रिक्रूटमेंट हुआ था तो कट ऑफ कितना गया था मेंस का भी पूरा टोटल और सेक्शनल अगर आपको ध्यान हो या आपके मार्क्स कितने थे? मैम सेक्शनल तो याद नहीं है, बट हाँ ओवरऑल कट ऑफ मुझे पता है 150 151 के अराउंड था, 200 में से। ओके और आपके मार्क्स कितने थे ओवरऑल? मैम मेरे मार्क्स 170 171 थे। थैंक ओके काफी अच्छे मार्क्स थे आपके। अगर सेक्शनल मार्क्स यू आपको मैम। आपके पता हो तो आप एक बार बता दीजिए तो थोड़ा सा हमारे जो पेरेंट्स उन्हें हेल्प होगी। सेक्शनल मार्क्स के लिए मैम मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि ठीक है तो लॉग इन फिर आप करके फिर मुझसे देखना शेयर कर पड़ेगा। दीजिएगा मैं डिस्क्रिप्शन में आपके मार्क्स लिख दूंगी। ओके और अब हम अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करें जैसे इसमें एग्जाम के बाद डिस्क्रिप्टिव भी होता है जो क्वालिफाइंग होता है तो उसका लेवल कैसा रहता है? आईबीपीएस के डिस्क्रिप्टिव जैसे ही रहता है? हाँ मैम इसका डिस्क्रिप्टिव का भी लेवल सेम ही रहता है आईबीपीएस के जैसा। इसमें भी इसमें क्या है कि इसका डिस्क्रिप्टिव का मार्क्स भी क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। अगर आप जैसे उसको क्वालिफाई नहीं करते तो आपका ये आंसर चेक नहीं होगा, तो पहले डिस्क्रिप्टिव भी क्वालिफाई मतलब कि अब उसके नोटिफिकेशन में तो जैसा लिखा हुआ था, हम भी देखे थे कि अगर आप डिस्क्रिप्टिव का मार्क्स क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका आंसर चेक नहीं होगा, आपका जो भी सारा इंग्लिश मैथ रीजनिंग जितना भी आप बनाए थे वो कुछ चेक नहीं होगा, वो आप पहले ही डिस्क्वालीफाई हो। तो डिस्क्रिप्टिव थोड़ा इजी नहीं लेना है और क्या। तो क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करने के लिए? डिस्क्रिप्टिव में मैम सेम एसे और लेटर आते हैं जैसे बैंकिंग एग्जाम में आते हैं। आप काफी YouTube पे काफी बुक आपको मिल जाएंगे, लेटर किस फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है, ऐसे किस टाइप से रहता है, जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं उससे ऐसे आते हैं कि जैसे सीबीडीसी था तो सेंट्रल बोर्ड सीबीडीसी उस टाइम आरबीआई लॉन्च किया था, तो उस रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस थे ऐसे के फॉर्म में। ओके तो मतलब जो करंट में चल रहा है उससे रिलेटेड ज्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं डिस्क्रिप्टिव में। हाँ मैम
तो ये तो हो गया पूरा एग्जाम का। अब एग्जाम के बाद इसमें इंटरव्यू भी रहता है, तो इंटरव्यू के लिए सबसे पहले आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी और फिर इंटरव्यू का कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मैम इंटरव्यू के लिए आप अगर जैसे उस टाइम मेरा इंटरव्यू फर्स्ट टाइम था, तो फर्स्ट फर्स्ट टाइम अगर इंटरव्यू? फर्स्ट इंटरव्यू एक आईबीपीएस पीओ का मैंने इंटरव्यू दिया था, वो भी फर्स्ट ही था, ये भी ये उसके बाद था, ये ओके सेकंड था। तो एक मॉक इंटरव्यू हम दिए थे, तो एक मॉक इंटरव्यू तो हम भी जो भी इंटरव्यू देने जाएंगे उनको बोले हैं कि एक कम से कम एक मॉक इंटरव्यू दे, जिससे आपको पता चलेगा कि आप का क्या वीकनेस है, आपका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप किस उसमें आपको बताया जाएगा कि आप किस लैंग्वेज में वहाँ कम्युनिकेट करें, ताकि आप आपका ज़्यादा चांसेस हो सिलेक्शन होने का। तो आपसे वहां पर इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे? मैम एनएचबी के इंटरव्यू में मेनली मेरे से ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे थे, और जैसे मेरा मैनेजमेंट था तो मेरे से मैनेजमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे थे कि रोल ऑफ मैनेजर क्या होता है, उसके बाद फिर मैनेजमेंट कैसे आप कैसे आपका जो सब्जेक्ट आप लिए हैं वो कैसे किस ऑर्गेनाइजेशन में हेल्पफुल करेगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से थे, सीबीडीसी से थे, और कुछ फाइनेंस से क्वेश्चंस थे। ओके तो ओवरऑल इंटरव्यू आपका इजी टू मॉडरेट वाला ही था। इजी टू मॉडरेट ही कहेंगे, क्योंकि जनरली ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से मेरे से क्वेश्चन पूछे थे। तो तो इंटरव्यू के लिए आपने मतलब एक ही मॉक इंटरव्यू दिया, तो जो मॉक इंटरव्यू है उसका कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन कहाँ से आपने दिया था, कहाँ से सब दे सकते हैं मॉक इंटरव्यू? मैम उस टाइम हम मॉक इंटरव्यू दिए थे, आई एग्जाम बी का था, वो उस टाइम वो एक इंटरव्यू कोर्स लॉन्च किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट था, जिसमें से एक आप मॉक इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, तो उसमें आपको हम दिए थे, तो उसमें काफ़ी अच्छा से वो गाइड किए थे हमें कि किस आपका कम्युनिकेशन किस मोड में होना चाहिए, क्या क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं, और आपके बारे में पूछ सकते हैं, कैसे आप इंट्रोड्यूस करें। तो ये पूरा एग्जाम का हो गया इसमें, क्योंकि एक ही एग्जाम होता है, कोई प्रिलिम्स मेंस नहीं होता एनएचबी में। तो ये एनएचबी का आप ओवरऑल यही आप सजेस्ट क्या करेंगे कि जो एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहा है, तो काफी कम वैकेंसीज आती है, तो मैक्सिमम लोग फॉर्म नहीं भरते, तो आपको कहाँ से मोटिवेशन आया कि इतनी कम वैकेंसीज में मुझे ये फॉर्म भरना है? मैम एक्चुअली मोटिवेशन मेरा खुद से नहीं था, मेरी दीदी बोली थी कि जब फॉर्म भर बाकी सारा एग्जाम का तुम भर ही रहे हो तो एनएचबी का भी भरो, भरने में क्या जाता है, तुम तैयारी कर ही रहे हो तो एक तरह से तुमको आइडिया हो जाएगा, अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है तो तुमको आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप से क्या एग्जाम, ये कैसा एग्जाम है, तो यही था मोटिवेशन सच। तो हाँ नोटिफिकेशन जब आया था, मतलब नोटिफिकेशन से फाइनल रिजल्ट तक कितना टाइम लग जाता प्रोसेस में? मैम प्रोसेस में अप्रोक्स 6 मंथ लग जाते हैं, जनरली नोटिफिकेशन अक्टूबर के करीब आता है और फाइनल रिजल्ट इसका मार्च अप्रैल के अप्रोक्स आता है, तो अप्रोक्स 5 to 6 मंथ। मतलब काफी फास्ट प्रोसेस का। यस तो आप फाइनली क्या सजेस्ट करना चाहेंगे एस्पायरेंट्स को जब भी एनएचपी का रिक्रूटमेंट आएगा, कि इसके लिए किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और कैसे खुद को मोटिवेट रखना चाहिए इतनी कम वैकेंसीज में भी? स्पेसिफिक इसका मतलब कि अगर आप कोई बैंकिंग एग्जाम्स का आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप इस एग्जाम को नहीं क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि आप भी क्लियर कर पाएंगे क्योंकि सेम पैटर्न सेम चीज फॉलो होता है। तो और जहाँ बात हुआ मोटिवेशन का, तो ऑल दो वैकेंसी कम है लेकिन
आपको बस वही बोलना चाहेंगे कि जैसे सब बोलते हैं कि आपको तो बस एक ही सीट चाहिए। बाकी तो आप जैसा तैयारी करेंगे उस टाइप से काफी कोशिश करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, लेकिन काफी एक्यूरेसी मेंटेन करना है क्योंकि आईपीएस का नॉर्मलाइजेशन थोड़ा अलग लेवल पे होता है। तो ओके सो थैंक यू सो मच अंकित, आप हमारे साथ यहाँ पर आए, आपने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया कि एनएचबी के लिए स्पेसिफिकली किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी रखनी है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।